पुरुषों के दिमाग में यह पूर्वाग्रह रहता है कि लड़कियों के बारे में कि इनको बहुत ज़्यादा इनमें काबिलियत तो होगी नहीं, लेकिन इनको इनके जेंडर की वजह से ज़रूर आगे बढ़ाया जा रहा है। जब एक लड़की करियर में आगे बढ़ रही है तो कुछ लोग ज़रूर सोच सकते हैं क्योंकि वो सुंदर है, खूबसूरत है। मेल कलीग एक फीमेल कलीग को कम इंटेलिजेंट इसलिए समझते हैं क्योंकि या तो जेलस है या इनसिक्योरिटी है या वो एक तरह की मेल ईगो है। आमतौर पर किसी भी औरत की तरक्की देखी नहीं जाती है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए लोग कुछ ना कुछ कारण ढूंढते रहते हैं, उनमें से ये एक कारण फिर लोगों के दिमाग से निकल कर आता है। आदमी कभी चाहते नहीं कि उस जो पावर इक्वेशन वाली जो टेरिटरी है वहाँ पे औरतें एंटर करें। इट्स इजी टू से कि अच्छा वो तो लड़की है तो इसलिए। करियर के बहुत शुरुआती दौर में एक हिंदी पत्रिका ज्वाइन करी थी, मेरे पीठ पीछे बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे कि इसको तो हिंदी कॉपी लिखनी नहीं आती, इसकी कॉपी जरूर कोई और लिखता होगा। जो जड़ है इस चीज की वो है खुद का कैरेक्टर, खुद का एक जो चरित्र होता है और वो चरित्र बनता है घर से। ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है, ये भी लगता है कि जो भी हार्डवर्क गया और जो भी अभी तक उसका काम था इट हैज़ बीन, मतलब उसको एकदम ही ओवरलुक कर दिया है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये एक व्यक्ति है ना कि बल्कि एक औरत या एक आदमी है तो फिर ये चीज़ें बदलना शुरू होंगी। ये कहना चाहूँगी कि हमारे बारे में कोई भी पूर्वाग्रह ना पालें और बस।